सो येट अगेन टीवीएफ डिलीवर्स। मुझे सीरियसली टीवीएफ के ऑफिस में जाके देखना है कि वो क्या फूकते हैं ऐसी सीरीज बनाते टाइम, ताकि वो बॉलीवुड वालों को जाके दे दो और भाई बता दो कि ऐसे बनती है एक होलसम सीरीज विद सम हिट मोमेंट्स अंडर इट्स रैप। सो हे गाइस, कैसा हो तुम? मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉचर। तो भाई जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि टीवीएफ डिलीवर्स अगेन, मतलब मैं अभी पंचायत सीजन 3 देख के उठा हूं और क्या माल सीरीज बनाई है, एक नंबर। और वैसे मेरे साथ एक कांड हुआ था इस सीरीज के रिगार्डिंग, बट फिर भी उससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैंने उतना ही एंजॉय किया जितना अगर वो कांड नहीं हुआ था तब करता। बट खैर वो तो हम थोड़ी देर में बात करते हैं, बट पहले तो बात करते हैं सीरीज के बारे में। तो जैसे कि टीवीएफ की परंपरा है, पहले दो सीजन से हमें पागल बना दिया था कि कब तीसरा सीजन आएगा। और वैसे इसने भी बनाया है और जिसने भी इस सीरीज को खत्म करके रखा है वो बस यही कह रहा है कि कहां है चौथा सीजन, लाओ जल्दी क्योंकि वेट नहीं किया जा रहा हमसे। सो एंड में जाने से पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक सीरीज हमें बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती, ना कि बोर करती है। इवन इन डायलॉग्स जिसमें कैरेक्टर अपनी सौरो दिखा रहे हैं, जिसके मीम अपने इंस्टा पर देखे ही होंगे, जो एक इंस्टेंट मीम हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ मीम्स के लिए सीन लिखा है कि भाई मीम मटेरियल होगा तो उससे वायरल हो जाएगी सीरीज, बट एक जेन्युइन कनेक्ट होता है आपका उस कैरेक्टर से। और जो वो बात बोलता है, जिस कन्विक्शन से बोलता है, जैसे एक्टिंग करता है वो कैरेक्टर, सीधा दिल में चली जाती है। और सबने, आई मीन सबने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, स्टार्टिंग विद सचिव जी, रिंकी, विधायक जी, विनोद और इवन भूषण तक, सबने प्रेज़वर्दी काम किया है। और बात करें राइटिंग की तो भाई वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। पहले सीजन के कैरेक्टर को इस थर्ड सीजन में जिस तरह से इंटीग्रेट किया है बहुत ज्यादा बढ़िया सरीके, साथ ही में डायलॉग को भी बहुत ज्यादा अच्छे से लिखा है जो सीन में जान डालने का काम करती है। और जो थोड़े थोड़े स्पीकर दिखाए हैं रिंकी और सचिव जी के बीच में वो भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग थे, जो आपको एक न्यू लव स्टोरी की स्टार्ट वाली फील देती है। और ऐसा नहीं है कि पूरी सीरीज में सिर्फ यही दिखाया है, बहुत तरीके से बहुत टॉपिक्स पे सीरीज घूमती है, चाहे वो डिस्प्यूट हो विधायक जी से और भूषण से, या वो लव स्टोरी हो रिंकी और सचिव जी की, या मॉर्निंग प्रहलाद की क्योंकि उसका बेटा शहीद हो गया है। सबको बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम देती है और किसी को भी लेफ्ट आउट नहीं करती। तो अब रही बात उस कांड की जो मेरे साथ हुआ, तो ऐसा मेरे साथ पहले बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। और जब भी हुआ है मुझे रियलाइज हुआ है कि समथिंग इज रॉन्ग, बट इस बार कुछ घंटा फील नहीं हुआ। बट जब उसके बारे में फ्रेंड से बात कर रहा था तो तब मुझे मालूम पड़ा कि भाई कांड हो गया है, डैमेज हैज बीन डन। तो देखो मैं पंचायत सीजन 3 देखने बैठा था और देखा कि भाई हां सीजन 3 एपिसोड 1 है तो उसके चालू कर दिया। और एक एपिसोड देखा तब तक कुछ काम आ गया तो मैं चला गया उस काम के लिए। और तब वो काम करते वक्त मेरी बात हुई मेरे सखा से, यानी फ्रेंड से, जिसने ये सीरीज खत्म करके रखी थी। तो मैं एक्साइटेड था बात करने के लिए जबकि मैंने सिर्फ एक एपिसोड देखा था, क्योंकि वो एपिसोड क्या था क्या बताऊं आपको, थोड़ी देर बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं उसे बता रहा हूं कि भाई क्या इंसेन एपिसोड था और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं बाकी 7 एपिसोड्स के लिए। तो ये सुनने के बाद उसने मुझे देखा और फिर से मेरे साथ वो दोहराया जो जो मैंने चीज मैंने उससे बोली थी वो। और उसने एक लाइन बोली जो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थी, मुझे लगा कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा इसलिए वो फिर से पूछ रहा था, बट उसने बोला कि चूतिए तूने लास्ट एपिसोड देखा है। एंड आई वाज लाइक भाई तू चुतिया है, मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा है, बहुत ज्यादा गदर मचाने वाला एपिसोड है और मुझे पता है कि मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा है। फिर उसने फिर एक बार मैंने जो एपिसोड्स के बारे में बोला था वो उसने दोहराया और प्राइम वीडियो निकाल के लास्ट का 8वां एपिसोड लगा के मेरे सामने रख दिया। और जब मैंने वो देखा तब पता चला कि भाई कांड हो गया है, द डैमेज हैज बीन डन, और मैंने सीधा क्लाइमेक्स ही देख लिया है सीरीज का। और जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था वो अब फोर्थ सीजन में आएगा, जो अब कब आएगा पता नहीं, बट फिर भी मैंने स्टार्ट से एक एपिसोड से एंड तक देखा 8वें एपिसोड तक। और आई डोंट थिंक मेरे रिसेप्शन में या एंजॉयमेंट में कोई फर्क पड़ा होगा, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और तो और मैंने बिंज वॉच किया है। तो हाँ, बिंज वॉच करने के लिए कंटेंट तगड़ा होना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा है। बाकी अब वो फर्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड कैसे हो गया पता नहीं, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट एपिसोड ही चालू किया था। फिर ये था कांड जो हुआ था मेरे साथ, जिसकी वजह से मुझे ये सीजन एंजॉय नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी मैंने किया और बहुत ज्यादा किया। तो हाँ, फॉर मी दिस इज द बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2024 टिल डेट, और आई डोंट थिंक कि कोई टॉप करेगा। बॉलीवुड में से अगर हीरा मंडी जैसी सीरीज आने वाली है तो बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, विदाउट इन सेकंड थॉट जाओ और देखो थर्ड सीजन पंचायत का। और अगर अब तक आपने दो सीजन नहीं देखे तो भाई किस पत्थर के नीचे रह रहे हो, जाओ जाके देखो पहले दो सीजन और आओ हमारे साथ फोर्थ सीजन का वेट करने के लिए लग जाओ। तो हाँ, दैट बीइंग सेड, ये था आज का वीडियो। अगर आपको कैसे लगी ये वेब सीरीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।